स्टूडेंट, आज हम बॉटनी का इंट्रोडक्शन डिस्कशन करेंगे. इंट्रोडक्शन ऑफ बॉटनी. सो व्हाट इज़ बॉटनी? बॉटनी है क्या? जब भी आप एमएससी करते हो तो बॉटनी से करते हो, बीएससी में भी आपके पास बॉटनी होती है, लेकिन बॉटनी है क्या? बॉटनी कहते किसे हैं? तो व्हाट इज़ बॉटनी, ये हमें पता होना चाहिए. नॉर्मली जो सभी जानते हैं उसमें यही कहते हैं कि जो बॉटनी है वो बायोलॉजी की ब्रांच है जिसने पादपों की या प्लांट्स की क्या होती है, स्टडी की जाती है, उनका ग्रोथ, उनका मेटाबॉलिज्म, उनका रिप्रोडक्शन, उनका स्ट्रक्चर, उनका मॉर्फोलॉजी, उनका एनाटॉमी, सभी कुछ हम डिस्कस करते हैं, सभी कुछ हम स्टडी करते हैं. कहाँ पर? बॉटनी में. सो वी स्टार्ट टुडे इंट्रोडक्शन. ठीक है, इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट कर रहे हैं बॉटनी. सो फर्स्ट जो है कि बॉटनी इज द साइंटिफिक स्टडी. बॉटनी क्या है? साइंटिफिक स्टडी है प्लांट्स की और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. प्लांट्स क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होता है एक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. यूनिसेलुलर में जो ऑर्गेनिज्म वन सेल्स के बने हुए होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं, और मल्टी सेलुलर जो बहुत सारे सेल के बने होते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर कहते हैं. और प्लांट्स एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं. फोटोसिंथेसिस मीन्स द सिंथेसिस ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट और सनलाइट, तो उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. ठीक है, बॉटनी इज रेफर टू एज प्लांट साइंस और प्लांट बायोलॉजी. जो बॉटनी है उसमें प्लांट साइंस पादपों का विज्ञान होता है और पादपों की ही बायोलॉजी होती है, मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ. बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ, तो उनकी ही लाइफ की स्टडी हम करते हैं प्लांट्स की. बॉटनी इंक्लूड वाइड रेंज ऑफ साइंटिफिक सब डिसिप्लिन्स दैट स्टडी द स्ट्रक्चर. किन किन की स्टडी करते हैं हम? उनकी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, उनकी ग्रोथ की स्टडी करते हैं, उनके रिप्रोडक्शन की स्टडी करते हैं, उनकी मेटाबॉलिज्म की स्टडी करते हैं, उनकी डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं, उनकी डिजीज़, उनमें जो डिजीज़ लग जाती हैं उसकी स्टडी करते हैं, इकोलॉजी की स्टडी करते हैं, उनकी इवेल्युएशन की स्टडी करते हैं, हिस्ट्री की स्टडी करते हैं. तो प्लांट्स की भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी हम स्टडी करते हैं. क्यों करते हैं? क्या ज़रूरत है हमें स्टडी करने की? तो स्टडी ऑफ प्लांट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आर अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है अर्थ पर, जनरेटिंग फूड, ऑक्सीजन, फ्यूल, मेडिसिन. क्यों? क्योंकि हमें फूड देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें फ्यूल देते हैं, हमें मेडिसिन देते हैं, फाइबर देते हैं, दैट अलाउ अदर फॉर्म टू एग्जिस्ट. द टर्म बॉटनी कम फ्रॉम द एंशंट. कहाँ से आया है? एंशंट ग्रीक से आया है. ये वर्ड कहाँ से आया है? ग्रीक से आया है, जिसको हम बोटैवन बोलते हैं, बोटैनी बोलते हैं, जिसका मीन पेस्चर होता है, हर्ब्स होते हैं, ग्रास, फॉडर. बोटैवन इज डिराइव फ्रॉम बॉस्कैन, जिसका मीन्स क्या होता है? फीड और टू ग्रेस. कि पहले ज़माने में जो क्या होता था, बहुत सारे फॉरेस्ट होते थे, तो हम अपने एनिमल्स को फूड के लिए, जो भी ह्यूमन बींग्स थे, हम किन में डिपेंड रहते थे? हम प्लांट पे डिपेंड कर रहते थे. तो इसलिए इसे हमारी लाइफ का बहुत ही फंडामेंटल पार्ट माना जाता है, जिनको हम बॉटनी कहते हैं. तो फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफेस्टस. थियोफेस्टस कौन थे? स्टूडेंट थे अरस्तु के. अरस्तु के स्टूडेंट थे थियोफेस्टस. इन्होंने ही यही बॉटनी के निर्माता हैं. इन्होंने ही बॉटनी की इन्हें ही बॉटनी का फादर कहा जाता है. फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफेस्टस. ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सब डिसिप्लिन ऑफ बॉटनी. वी विल डिस्कस अबाउट सब डिसिप्लिन ऑफ बॉटनी. ठीक है, फर्स्ट इज एग्रोनॉमी एंड क्रॉप साइंस. इसके अंडर हम क्या क्या स्टडी करते हैं? पहला एग्रोनॉमी. एग्रोनॉमी मीन्स क्या होता है? एग्रोनॉमी मीन्स जो भी हम क्रॉप प्रोडक्शंस करते हैं, यस, उनकी सॉइल मैनेजमेंट, जो भी कितनी सॉइल्स हमें चाहिए, हमें कैसे उनकी प्रोटेक्शन करनी है डिजीज से. सो ये सारा डिस्कशन कहाँ से आता है? एग्रोनॉमी और
क्रॉप साइंस में आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एलगोलॉजी एंड फाइकोलॉजी। जब हम एलगी की स्टडी करते हैं तो इसे फाइकोलॉजी और एलगोलॉजी के अंतर्गत लिया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी होता है उनको बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। ब्रायोलॉजी जिसमें मॉसेस और लीवर वॉर्ट्स की हम स्टडी करते हैं। माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई, स्टडी ऑफ फंजाई को हम माइकोलॉजी कहते हैं। और यही जब हम स्टेप बाय स्टेप इन सभी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे, पैलियोबॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स, प्लांट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट्स। एनाटॉमी में हम उनके इनर स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं, इनकी फिजियोलॉजी का स्टडी करते हैं। प्लांट सेल बायोलॉजी, जिस जो भी प्लांट के स्ट्रक्चर एंड सेल्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, उनकी स्टडी हम प्लांट सेल बायोलॉजी के अंडर में करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज वी विल स्टडी द ब्रांच ऑफ, ठीक है।